पिछले 15 दिनों में हम सब ने शायद जिंदगी के वो रंग देखे हैं जो कभी को देखना पसंद नहीं करता। चाहे अरबों रुपया भी पास में है लेकिन ना सांस है, ना ऑक्सीजन है, ना डॉक्टर है, ना हॉस्पिटल है। तब हम सबको शायद ये समझ में आया कि पैसा किसी काम का नहीं। आज हम लोगों को यह शायद जागने की जरूरत है, जिस नींद में हम सो रहे हैं उससे निकलने की जरूरत है। इंसान की जिंदगी बचाने के लिए अगर हम लोग कुछ कर पाए तो शायद उसकी दुआ ये जो कोरोना बीमारी लंग्स में जाके लोगों के लंग्स खत्म कर देती है, शायद हम किसी को अगर वो सांस दें तो वो बीमारी हमारे घर ना आए, शायद हमें वो बचा ले। आज हम सबको ये बात समझ में आने लगी है। ये गुरुद्वारा रकाबगंज साहब का वो लक्की शाह अंजारा हॉल है जहाँ पे 400 बेड का प्रॉपर एक मिनी हॉस्पिटल के रूप में पिछले 10 दिन में हमने कोशिश करके आप सब लोगों के सहयोग के कारण बनाया है। मैं दिखाना चाहता हूँ, ये जो आप कंसंट्रेटर देख रहे हैं, ये जो बेड देख रहे हैं, ये सारा केवल और केवल 10 दिन में तैयार किया गया है। ये सारे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के साथ है, ये 5 लीटर के लिए है, ये अगला ब्लॉक है, ये 10 लीटर के लिए है। इस तरह से हर ब्लॉक हमने खूबी तौर पर बनाया है। ये उसका अगला ब्लॉक है जिसमें हर जगह पे स्टैंड बाई कंसंट्रेटर भी है, साथ में दो दो कंसंट्रेटर एक बेड के साथ लगाए गए। अगर किसी को 20 लीटर ऑक्सीजन की जरूरत है उनके लिए भी है। और ये सब कुछ 10 दिन में तैयार किया गया। मैं उन सभी परिवारों का धन्यवाद करता हूं। आज 10 तारीख दोपहर 2 बजे से ये शुरू होगा। किसी को जरूरत हो बिना धर्म भेदभाव के उसका यहां पे इलाज होगा। अब आपको शायद ये जरूर समझ में आएगा कि आज हमें जरूरत किस चीज की है। हमें अपनी मानवता की सेवा करने की वाली भावना दिखाने की जरूरत है। किसी काम ये माया नहीं आएगी, किसी काम हमारी शौहरत नहीं आएगी, किसी काम हमारी दौलत नहीं आएगी। इंसानियत बहुत जरूरी है, वो बचनी चाहिए।